नमस्कार दोस्तों, हमारे स्वास्थ्य के लिए विटामिन B12 बेहद ज़रूरी है। इसकी कमी की वजह से शरीर में अनेक रोग हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी आपको शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी बीमार कर सकती है। इसकी कमी की वजह से गैस और अनेक समस्याएं आपको घेर सकती हैं। विटामिन B12 की कमी से शरीर में खून की कमी, पाचन तंत्र की गड़बड़ी और कमजोरी आ सकती है। भूख की कमी और कब्ज की समस्या भी हो सकती है। इसलिए विटामिन B12 शरीर की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारा शरीर विटामिन B12 खुद नहीं बनाता। ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 लें। विटामिन B12 हमारे तंत्रिका तंत्र की रक्षा करता है और लाल रक्त कोशिकाओं का विभाजन कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए खाने में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हों। उम्र के हिसाब से शरीर को विटामिन B12 की अलग अलग मात्रा में ज़रूरत होती है। 1 से 3 साल की उम्र वाले बच्चों के शरीर में हर रोज़ 0.9 माइक्रोग्राम विटामिन बी की ज़रूरत होती है, जबकि 4 से 8 साल के बच्चों को रोज़ 1.2 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। 9 से 13 साल के बच्चों को हर रोज़ 1.8 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। वहीं वयस्कों को हर रोज़ 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। गर्भवती महिलाओं को हर रोज़ 2.6 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपको हेल्दी फूड लेने की ज़रूरत है। आपको अपने आहार में दूध को शामिल करना चाहिए। 1 गिलास दूध में आपको अपनी रोज़ की ज़रूरत का विटामिन B12 का 20% मिल जाएगा। दही में भी विटामिन B12 की अच्छी मात्रा होती है। अपने आहार में विटामिन B12 की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको रोज़ दही का सेवन करना चाहिए। दही में आपको 51 से लेकर 79% विटामिन B12 मिल जाएगा। आपको अपने आहार में पनीर शामिल करें। पनीर में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। 30 ग्राम पनीर में आपको अपनी ज़रूरत का 36% विटामिन B12 मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी विटामिन B12 की। इसी तरह की बाकी जानकारी लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें।